जैसे आपने बताया वर्ल्ड वॉर पे फिल्म है, तो इस तरह की फिल्म पीरियोडिक फिल्म्स को शूट करना आसान बात नहीं है, तो कितना टाइम लगा और जो जो जैसे जो वॉर सीन्स होते थे उस चीज़ में आपको कितनी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं? वो तो आनी ही थी डिफ़िकल्टीज, लेकिन फिर भी जिन्होंने रियल में जो हमारे एल्डर्स थे वो जब वॉर में थे, जब जहाँ वो सोल्जर्स वॉर में होते हैं, एक्चुअल टफ तो वो होता है, हम तो नकल ही कर रहे हैं, हम तो सिर्फ फिल्म ही शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत जो परेशानी होनी है वो तो हमारा काम ही है, तो उसको मैं कुछ ज़्यादा परेशानी मानता नहीं। लेकिन हाँ, मैं श्याम कौशल जी का बहुत धन्यवाद करूँगा, वो भी पंजाबी हैं और पंजाब से हैं, लेकिन बॉलीवुड में नंबर वन वो हैं अपने काम में। उन्होंने पूरा फाइट उन्होंने डिज़ाइन किया है, उन्होंने डायरेक्ट किया है। टाइम बेसिकली कितना लगा? जैसे आपने, मैंने कहीं ये सुना था कि आपने बहुत सारे वहाँ पे जहाँ आपने शूट की वहाँ के लोगों ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की। बहुत मदद की जी, मैं हर बंदे ने, हर शख्स ने मदद की, खालसा एड वालों उनकी जो टीम है उन्होंने भी मदद की, रवि सिंह जी ने बहुत हमारी मदद की, और धर्म सेवा वो हमेशा ऐसे कामों में हमेशा आगे रहते हैं, उन्होंने मदद की, और इंडिविजुअली हर एक शख्स ने जो जो जितना कर सकता था, तो इंग्लैंड में हमें हेल्प मिली इतनी बड़ी वॉर क्रिएट करने में, जो सोल्जर्स और वो जो हमें चाहिए थे वो हम पैसों से तो कर नहीं सकते थे, तो इंग्लैंड में बहुत हेल्प की, खुद अपनी गाड़ियों में लोग आते थे फिल्म के सेट पे, और खुद ही अपनी किसी को कहना नहीं पड़ता था, खुद अपनी ड्रेस उठा के तैयार होते थे वो, तो वो इतनी बड़ी मदद है, और मुझे लगता है वो इसी फिल्म के लिए हो सकती थी, अगर मैं जाट एंड ज्वेलर 3 बना रहा होता तब तो नहीं होती। हाँ, तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट ही अपने आप में इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि हर एक बंदे ने अपने आप से ज़्यादा होकर हमारी मदद की। दिलजीत, जैसे बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स होते हैं, तो आपने इस सज्जन सिंह रंगरूट, जो आपके कैरेक्टर का नाम है सज्जन सिंह, आपने उसके कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए किस तरह से यू नो तैयारी की? क्योंकि बॉलीवुड में मेथड एक्टर्स होते हैं, तो क्या आपने भी उस तरह से मेथड एक्टिंग की प्रिपरेशन की? आई डोंट नो ABCD अबाउट मेथड एक्टिंग, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, मैं इस चीज़ में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन हाँ कुछ जो मेरे मन में सवाल थे कि हम वहाँ क्यों गए, हमने ऐसा क्यों किया, ये क्यों हुआ होगा, वो सवाल मैं हर रोज़ गुरप्रीत भाई से पूछता था और हर रोज़ उनको तंग करता था कि ये मुझे क्लियर होना चाहिए, मैं हमने ऐसा किया होगा तो क्यों किया होगा, हमने ये किया, इस करेक्टर ने अगर ये किया तो ये क्यों किया, ये बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, अगर आज ये बात बोल रहा है तो आगे 4 सीन के बाद ये ऐसा क्यों बोल रहा है, तो कहानी तो एक ग्राफ बनता है कहानी का, लेकिन उस चीज़ में मुझे काफ़ी हेल्प की, उस चीज़ ने मुझे मेरा करेक्टर समझने में हेल्प मिली कि ये क्या है, क्या कहना चाहता है और क्या क्या सवाल रहे होंगे अंदर, और कैसा कैसा जर्नी रही होगी, वो भी कैसे कैसे चेंज हुआ होगा। ऐसे नहीं है कि सीधा वॉर स्टार्ट हो जाती है फिल्म में, आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म कहीं और से स्टार्ट होती है, फिर कहीं और जाती है, फिर वॉर पर जाती है, फिर वापस आती है, सो बहुत ही ज़्यादा फैमिली की पिक्चर है एक्चुअली, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, बच्चे देख सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा हमने वो हार्श शूट नहीं किया, ज़्यादा ब्लड ऐसा कुछ शूट नहीं किया हमने, यानी कि फिल्म में ज़्यादा ब्लड शेड नहीं है, लेकिन फैमिली फिल्म है वो तो ध्यान में रखा गया कि बच्चे, इसीलिए बच्चे देख सकते हैं पिक्चर, और हमें US सर्टिफिकेट मिला है, अपने पेरेंट्स के साथ जाके बच्चे ये फिल्म देख सकते हैं। सो ये थे दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने बताया कि 23 मार्च को उनकी फिल्म आ रही है रंगरूट, जिसमें देश के असली योद्धाओं के बारे में बात की गई है। 23 मार्च को ज़रूर देखने जाइए सज्जन सिंह रंगरूट, और मैं हूँ जीविका सिंह, नमस्कार।